न्यूज धमाका लाइव, यहां सिर्फ सच ही दिखेगा। गोलमुरी पुलिस लाइन में मिली महिला पुलिसकर्मी बेटी और नानी की लाश, हत्या की आशंका, जांच में जुटी है पुलिस। गोलमुरी पुलिस लाइन में महिला पुलिसकर्मी सविता रानी, उसकी 8 साल की बेटी और उसकी मां की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस को इस बात की भनक तब लगी जब महिला पुलिसकर्मी 2 दिन से अपने काम पर नहीं जा रही थी, तब पुलिस ने उनके बारे में पता लगाने को कहा। पुलिस वहां पहुंची लेकिन पाया गया कि घर बाहर से बंद था। जब कुछ पता नहीं चलने पर घर का ताला तोड़ा गया तो देखा गया कि सविता रानी, उसकी माँ और उसकी 8 साल की बेटी की लाश वहां पर पड़ी हुई है। सर, क्या सूचना मिला था अभी? पुलिस लाइन के परिसर में जो स्टाफ के लिए क्वार्टर बनाया गया है, उस क्वार्टर में एक फ्लैट से 3 डेड बॉडी प्राप्त होने की सूचना मिली थी। अभी जो प्राइमरी जांच हम लोग कर रहे हैं, पूरी टीम यहाँ पहुंची हुई है। प्राइमरी जांच में ये ज्ञात हुआ है कि एक लेडी कॉन्स्टेबल है, इसी जिला में कार्यरत है, वो उनकी माँ और उनकी बेटी तीनों एक साथ इस फ्लैट में रहते थे और तीनों का पिछले 2 दिन से कोई सुराग नहीं मिल रहा था, उनको देखा नहीं जा रहा था। अगल बगल के लोग जब खोजबीन किए, दरवाजा बाहर से बंद था, उसको जब यहाँ खोला गया तो देखा गया कि अंदर तीनों का डेड बॉडी है। पुलिस इसकी जांच कर रही है, पूरी टीम यहाँ लगी हुई है, हम लोग फॉरेंसिक टीम को भी बुलवाए हैं, फिंगरप्रिंट की टीम आ गई है, हम लोग पूरी जांच कर रहे हैं। इसमें जो भी अपना क्रम है, जैसे हुआ है, किसके द्वारा किया गया है, उसका जाँच करके अभी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से अभी कुछ बता नहीं सकते हैं, प्राइमर किसी जो चीजें सामने आई है उससे अभी कुछ स्पष्ट ज्ञात नहीं हो पा रहा है। जब तक पूरी जांच हम लोग नहीं कर रहे, पूरी टीम लगी हुई है, जांच के बाद जो भी चीजें सामने आएगी। अगल बगल से किसी तरह की जानकारी मिली है क्या? अगल बगल से किसी अगल पड़ोस से किसी तरह की जानकारी मिली है इनके बारे में? पड़ोसी जो भी आसपास के फ्लैट में रहते हैं, उनका कहना है कि उनको किसी प्रकार की कोई कनेक्ट नहीं मिली। जब उसकी सुराग नहीं मिल रही थी तो लोग खोजने लगे, और उसके बाद जब उनके घर में गया गया तब इसलिए कहा गया। वो इंगित करते हैं दोनों तरफ, और जब स्पष्ट जांच हो जाएगा, जैसा मैंने पहले बताया, फॉरेंसिक टीम आ गई है, फिंगरप्रिंट की टीम आ गई है, वो लोग जांच कर रहे हैं। इसका पूरा जांच हो जाने के बाद ही हम स्पष्ट रूप से बताने में सक्षम रहेंगे। कोई हथियार वगैरह भी मिला है? नहीं। तीनों मृतक का नाम क्या? जो लेडी कांस्टेबल हैं, उनका नाम है सविता, और उनकी माता जी का और उनकी बेटी का नाम अभी मुझे ज्ञात नहीं है।